अरे आप भी कह रहे होंगे मैं वॉक कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, किधर चल रहा हूँ, कैसे आप लोग? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा दादी, इस वक्त जो है वो नीचे बोर्ड देख रहे हैं आप? बोर्ड दिखाई नहीं, ये जो बोर्ड है मैंने कोशिश की कि भाई कोई प्राइवेट बोर्ड मिल जाए, जैसे ये सारी बोर्डों में ना पब्लिक होती है और बड़ा ज़ोर से म्यूज़िक चलाया हुआ होता है। मेरे दिल में था कि भाई पहले मैं नीचे गया कि भाई अरेंज करूँ एक बोर्ड, और जो ऊपर नील है इसको नाइल कहा जाता है, या दरियाए नील कहा जाता है, या नाइल कहा जाता है, उसको आपको उसकी ज्यारत कराऊँ, दर्शन कराऊँ। लेकिन वो मैंने कहा यार उसको छोड़े, अभी बोर्ड को ऊपर से कराते हैं। अच्छा अभी आप देखें, ये जो आपको दरियाए नील नज़र आ रही है और नाइल रिवर, अच्छा ये बड़ी तारीखी रिवर है नाज़रीन, इस एतबार से कि ये तो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और लॉन्गेस्ट दरिया है ये, और नहर है, और ये इसका ये सूडान और इथोपिया और युगांडा तंजानिया, और इसका जो सोर्स है ये शुरू कहाँ से होती है उसके बारे में आता है कि तंजानिया में जो किलिमंजारो पहाड़ है उसके पास से कोई धारा है जहाँ से ये नहर शुरू होती है। तो हकीकतन अभी कभी मैं जब तंजानिया आपको लेके जाऊँगा, मैं जाऊँगा तो वो जगह पहुँचेंगे। दरियाए नील के बारे में ये कि एक वाक्या जो मशहूर है और उसमें इख्तलाफ है कि वो सही है गलत है, लेकिन मशहूर बहुत ज़्यादा है, और बाद कहते हैं कि जी जो उसके जो रावी हैं वो मुदल्लस हैं, बाद कहते हैं कि नहीं हकीकत है। तो लिहाजा हमने तो वाकया इतना मशहूर है तो वो अक्सर बयान किया जाता है, वाइजीन भी बयान करते हैं। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला जब आए तो यहाँ पर हर साल एक रस्म अदा की जाती थी, और 11 तारीख को चाँद की 11 तारीख होती थी पहले महीने की, और उसमें जो है वो एक 15 साल की बाकरा लड़की को तैयार करके पानी में फेंका जाता था, दरियाए नील के बुर्द किया जाता था, और उनका अकीदा ये था कि ये जो पानी चलता है ये इसी वजह से चलता है। तो बड़ा लंबा वाक़या है, हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला आए और आकर आपने इस रस्म को ख़त्म कर दिया, और जब ये रस्म हो रही थी तो आपने कहा ये क्या है कि इस्लाम तो अलिस्लाम हुई है या हदीम माताना कबला हुई, इस्लाम तो जाहिलियत की सारी रसूल को ख़त्म कर देता है। तो लिहाजा इसलिए मैंने इस बोर्ड वाले से कहा कि यार मैं अगर बैठूंगा तो आप ये म्यूज़िक बंद करोगे थोड़ी देर के लिए, मुस्तकिल बंद करो? कहता नहीं। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए बंद करो? कहता थोड़ी देर के लिए भी नहीं बंद करूँगा। तो मैंने कहा इसमें बैठने का फ़ायदा नहीं। तो फिर हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने उसको उस रस्म को ख़त्म करवा दिया। तो लिहाजा उस साल ये दरियाए नील का पानी खुश्क हो गया। तो आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को ख़त लिखा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक ख़त के जवाब में लिखा कि कुका के ए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहती है तो बहती रहे, अगर तुझे इस औरत की बच्ची की ज़रूरत है, इस बच्ची की वजह से चलती है तो तू बंद हो जा, हमें तेरी ज़रूरत नहीं है। तो आता है कि वो रुका जब फेंका गया तो उसके बाद से पानी बहुत ज़्यादा हो गया। हालांकि हकीकतन देखा जाए आपके लिए ये मीठा पानी है और ये लॉन्गेस्ट रिवर है, और आप सोच नहीं सकते इसमें शिप चलते हैं, लेकिन बड़े बड़े जहाज चलते हैं, और ये इजिप्शियन के नज़दीक जो है ये नील ही इजिप्ट है, और वो कहते हैं कि आपका इजिप्ट लोगों के नज़दीक जो है वो उनकी जो इजिप्ट पूरी दुनिया है। स्टेट आपको नज़र आ रहा है नाज़रीन, इसे सीधा जाएं आपको सफ़ेद सा एक मीनार नज़र आ रहा होगा, वो तहरीर स्क्वायर है, तहरीर तारीखी तहरीर स्क्वायर। नाज़रीन ये आपने दरियाए नील देख ली और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी आप हज़रात ने देख ली। अभी असर का वक्त हो गया, सामने एक बड़ी अच्छी खूबसूरत मस्जिद है,
इंशाल्लाह हम उस मस्जिद में जाके अभी नमाज़ पढ़ेंगे। और आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा, और मैं आप सब हज़रात को अपनी दुआ में याद रखूँगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।